उधर ही खबर तुर्की तो जिते तुर्की दे विच भूचाल कारण भारी तबाही मची है। 7.8 की तीव्रता दे नाल भूचाल आया, 4,000 लोगों की मौत हो गई है। कई इमारतों के ढह जाने का भी खदशा है। उधर ही बचाव कार्य भी लगातार जारी है। भारत तो भी जड़ा है टीम भेजिया गई ने ते राहत बचाव कार्य उत्थे जारी है। तुर्की दे विच भूचाल कारण काफ़ी तबाही मच चुकी है। 4,000 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। 4,000 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। वड्डी खबर तुर्की तो, तुर्की दे विच भूचाल कारण भारी तबाही मची है। तुर्की ते सीरिया दे विच 7.8 की तीव्रता दे नाल भूचाल आया ते जिस तों बाद खौफनाक मंजर उत्थे देखण नूं मिल रहा है। तुर्की सीरिया दे विच भूचाल कारण तुर्की दे विच हुण तक 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,000 मौतों की जिहड़ी पुष्टि हो चुकी है। वड्डे पत्तर ते बचाव कारज लगातार जारी है। मरण वालिया की गिनती वधन का भी अजे खदशा जताया जा रहा है। सैकड़े लोग जख्मी भी हो चुके हैं। भूचाल की भारी तबाही का सामना कर रहे तुर्की सीरिया की मदद के लिए हुण भारत अगे आया। भारत के वलों जी मदद भी भेजी गई है। उधर ही 4,000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। दस दिए कि NDRF दी दो टीम बचाव मिशन के लिए शामिल हो बचाव मिशन के शामिल हो भारत दो टीम जाएगियां जिस दे विच जिहड़ा 100 तो वध जवान शामिल होणगे। तुर्की तो खबर है तुर्की दे विच जिहड़ा भूचाल ने भारी तबाही मचाई है। 4,000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बचाव कार्य लगातार जारी है। उधर ही भारत के वलों भी जिहड़ा टीम भेजिया गई ने राहत बचाव कार्य के लिए टीम इतों जाएगियां। 100 जवानों की टीम जिहड़ी है NDRF दी दो टीम बचाव मिशन के शामिल होणगियां। टीम के 100 तो वध जवान शामिल होणगे। तुर्की ते सीरिया दे विच लगातार ही मौतों का जिहड़ा आंकड़ा है वह वधदा जा रहा है। जिस तरीके दे नाल भूचाल आया 7.8 की तीव्रता दे नाल भूचाल आया, काफ़ी लोग जख्मी हुए ने। 4,000 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो आंकड़ा अजे होर भी वधन का जिहड़ा खदशा है वह भी जताया जा रहा है। तुर्की दे विच भूचाल ने भारी तबाही मचाई है। उधर ही सीरिया दे विच भी भूचाल के कारण भारी तबाही देखने को मिली है। खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीर तुर्की तो ने जिथे तबाही दी तस्वीर ने तुर्की तो कई इमारतों के ढह जाने का खदशा अजे भी जताया जा रहा है। तो राहत बचाव कार्य लगातार उधर जारी है।